वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इसकी बहुत फरमाइश आई थी सिंगापुरियन राइस। मैं बता चुकी हूँ सिंगापुरियन राइस केक बना रही हूँ आज मैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हम सबसे पहले चावल बॉईल करेंगे, फिर हमें इसके बाद इसके बाद नूडल्स स्पैगेटी बॉईल करूँगी। चावल बॉईल मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और मैंने पानी बॉईल करने में रख दिया था। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और ये पानी उबल गया है। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो चावल भिगोए थे, ये मैंने 20 मिनट पहले भिगोए थे। बासमती चावल है, आप चाहें तो सेला में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें राइस केक बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने लिया है और ये मैं इसको बॉईल कर लूँगी। इसको फुल बॉईल करना है, इस तरह मैं चमचा चला रही हूँ। जब ये फुल बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी। पैकेट और मैंने इसको पानी बॉईल कर लिया। इसमें मैं 1 चाय के चम्मच मैंने नमक डाला। थोड़ा सा आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं, पिंक ग्रीन रेड कोई सा भी कलर आप डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसमें पिंक सा कलर डाली, मेरा कलर अच्छा सा आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर ये स्पैगेटी जो है इसको बीच में से तोड़ के डाल दिया है। इसको हम 6-7 मिनट बॉईल करेंगे और मैं इसको बॉईल करके निकाल लूँगी। चावल बॉईल हो रहे थे, हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन लिए मैंने 300 ग्राम की जितनी, और इसके अंदर मैं लहसुन चॉप किया हुआ डालूँगी 1 चाय का चम्मच। फ्राई करेंगे इस तरह से, मैंने क्यूब में काट लिए चिकन को और मैं इसके अंदर इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। कलर चेंज हो जाएगा फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी। इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्ची ली थी, चॉप कर ली थी, उसे ये मैं डाल देती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी। काली मिर्च हम जो सब्जियाँ डालेंगे जब डालेंगे अगर कलर इसका ब्लैक हो जाता है, तो हम इसे 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और इसके तो मैंने थोड़ा सा पानी डालूंगी 1/2 कप के जितना, ताकि ये थोड़ा सा चिकन गल जाए, फिर मैं बाकी चीज़ें बाद में डालूंगी। बस इतना सा हमने इसे पानी डालना, इसी में इसको हमने गला लेना है थोड़ा सा बोटियों को। बस इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के रखिए। अब सॉस के पर आ जाते हैं, तब चिकन भी गल रही है। हम सॉस बना सॉस तैयार कर, मैंने केचप लिया 2 टेबल स्पून की कितना, और इसके अंदर मैंने 1/2 कप मायनीज लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है, और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सरासर पेरी पेरी सॉस रखी है तो वो डाल दें। थोड़ा सा मैं चिली सॉस इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून की कितनी, मैंने ये डाल दी इसमें। थोड़ा सा सरासर सॉस, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है पेरी पेरी, मैंने इसके अंदर डाले। ये थोड़ी सी हमने डाल दी है 1 चाय का चम्मच के जितना। इसको मैं मिक्स करूँगी, इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी 2 चुटकी के जितना, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने वाइट सॉस तैयार कर लिया। मैंने बहुत दफ़ा आपको उसकी रेसिपी बताई है वाइट सॉस की पास्ता वगैरह में, मैं इसकी ज़बानी आपको बता देती हूँ। मैंने मक्खन लिया था 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून के जितना मैंने मैदा लिया था, और उसको हल्का सा सौते किया था। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 कप के जितना दूध डाल दिया था। दूध डाल के मैंने उसको अच्छी तरह विक्स, उसको अच्छी तरह फेंटा था ताकि वो हो जाए गाढ़ा गाढ़ा सा। फिर इसमें नमक काली मिर्ची डाली इसके अंदर, और नमक काली मिर्च मायनीज डाल लिया आटे के अंदर, -2 से 3 टेबल स्पून डाली, और थोड़ी सी चेडर चीज़ डाली मैंने 4 टेबल स्पून जितनी डाल के, और मैंने इसको पका ली थी उसको अच्छी तरह। अब ये गाढ़ी गाढ़ी सी सॉस तैयार हुई है, हम आखिर में डालेंगे। चिकन हो गई तकरीबन, अब इसमें मैं गाजर डालूंगी। अगर गाजर पहले हम थोड़े से डाल लेते हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दूंगी। इसको हल्का सा मैं चलाऊंगी। बाकी सब्जियां इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, 1 गाजर ली थी बड़ी, 1 बड़ी शिमला मिर्च ट्यूब में काट ली थी, हरी प्याज ली थी मैंने 2 अदद, और आखिर में इसके पत्ते में थोड़े से डालने थी, थोड़े मैं आखिर में डालूंगी राइस के साथ। इसके अंदर मैं अब सॉस डाल देते हैं, चिली सॉस डालूंगी 1 टेबल स्पून के जितना, सोया सॉस डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितना, सोया सॉस गया इसमें, वॉस्टर साइज सॉस गया इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, 1 टेबल स्पून की जितनी काली मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी, व्हाइट पेपर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, चिकन पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के, मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है। बस इसको मैं सब मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, अभी हमने इसमें नमक डाला था, थोड़ा सा नमक इसमें हम डालेंगे, चिकन पाउडर भी नमक होता है, तो हमने 1/2 चाय के चम्मच नमक भी डाला इसके अंदर। बस मिक्स करना है, और बस ये 1 से 2 मिनट से पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना ताकि जो सब्जियां हैं ऐसी खड़ी खड़ी रहें, इनको हमें गलाना नहीं है। फुल ऑयल
नहीं डाला था और मैंने चावल बॉईल करके रख लिए थे, थोड़े इसमें मैंने चावल डाले, थोड़े सब्जियां डालेंगे हम इसके अंदर, फिर चावल डालेंगे, फिर सब्जियां डालेंगे और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि आराम से मिक्स हो जाइए। इसके अंदर बाकी चावल डालूंगी, थोड़े आटा में डालेंगे, मैंने बॉईल कर लिए थे। अब ये जो बाकी बचा हुआ ये सब हम इसमें डाल देंगे, तो ऊपर से मैं चावल डालूंगी, हरी प्याज डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी और बस इसको ये रेडी है। फिर मैं इसके राइस के 2-5 मिनट के लिए इसे दम पर रखूंगी। इसको इसमें आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके अंदर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया, आप चाहें तो कोई भगोना पतीला वगैरह कुछ भी ले सकते हो, उसमें भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने थोड़े चावल डाल दिए, मैंने मिक्स कर लिए थे, तैयार हो गए थे। इस तरीके से हम चावल डालेंगे, इसको मैं प्रेस करूंगी, पहले हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ी सॉस डालेंगे, ये जो मैंने बनाई थी, इस तरीके से हम सॉस लगाएंगे इसको चमचे से। इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए, इसको इस तरह हम जमा देंगे, सॉस डालेंगे उस तरह से चमचे से इसको फुला लेंगे। फिर इसके अंदर फिर हम स्पैगेटी डालेंगे, इसको भी मैंने खूब अच्छी तरह से हाथ से दबा लें, चाहे चमचे से, किसी भी ढकने से, प्याली से, किसी से भी अच्छी तरह इसको पुश करना, खूब अच्छे से दबाना है इसको। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए बेक करूँगी और इसके ऊपर कोई भी ढकना ढक दें इस तरीके से। हम इसको 5 मिनट के लिए बेक करती हूँ ओवन में। कोई प्लेट वगैरह रखी है, ये मैंने खोलने वाला टिन लिया है, चाहे तो इसके पतीले में लेंगे तो आप इसके ऊपर प्लेट रखिएगा, इसको उलट दीजिएगा हल्के हाथ से, और मैंने खोलने वाली है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से हल्का हल्का सा हम खोल लेंगे। मैं इसको हटाऊंगी नहीं, जिससे उन्हें ये पूरा निकल जाएगा, इसी के ऊपर हम इसको सर्व करेंगे। वाली ये मैं इसके ऊपर डालूंगी, इसको हल्का सा आपको नीम गरम डालना है, इनको ठंडा नहीं करना। इस तरीके से हमें इसको डाल देना है, इस तरह से हम फैला देंगे हल्के हल्के हाथ से। ऐसे मैंने फ्लावर बना लिए, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं जैसे दिल चाहे, जैसे हम डेकोरेट कर लेंगे अपनी मर्जी से कोई भी। मैंने हरी प्याज के पत्ते लिए और उससे मैं सजा रही हूँ, कुछ गाजर का मैंने फूल बना लिया था और मैं साइड में गाजरें लगा दी, चाहे तो टमाटर लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको गरम गरम सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।